हाय एवरीवन दिस इज वे आज का हमारा टॉपिक है नेट जीरो स्टेटस पे रिसेंटली सी ओ पी ट्वेंटी सेवन चल रहा था तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो हम कवर कर रहे हैं तो पीछे भी काफ़ी सारे वीडियोस उस पर कवर किए हैं जो भी इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स रही हैं बिकॉज प्रलम्स के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं दिस इज माई टेलीग्राम चैनल यू कैन कनेक्ट विद मी ह्यूर बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अफरेंट्स नी एक सो... इक्स पेज का डॉक्यूमेंट है इंडिया ने बहुत सारे मेजर्स की बात की अब इस टॉपिक में पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नेट जीरो क्या होता है जो कि आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे लास्ट तक बने रहिए मैं तो आपको एक्सप्लेन करूँगी बट यू शुड नो वॉट इज़ नेट ज़ीरो इंडिया का क्या प्लान है कि हम कैसे नेट जीरो अचीव करेंगे और इंडिया क्या क्या वादे सी ओ पी ट्वेंटी सेवन में करके आया है बाकी देशों का क्या स्टेटस है ये सब हम जानेंगे तो ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है इंडिया ने यहाँ पे काफ़ी मेजर्स की बात की है तो आपको ये मेजर्स पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी को डी करना है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स को भी तो डी की बात हुई है कार्बन कार्बनइमेशन कम करने हैं इनफैक्ट खत्म करने फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स अर्बन स्पेसेस जो हैं हमारे अर्बनाइजेशन जिस तरीके से हो रही है उसको फिर से रीडिजाइन करने की ज़रूरत है एनर्जी और मटेरियल एफिशेंसी जो है वो इंक्रीज करनी है रीवाइटलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट ये करना है और क्लाइमेट ओरिएंटेड रिसर्च डेवलपमेंट को पुश करना है तो ये कुछ हमारे प्लान्स है मेजर्स हैं इंडिया की तरफ से जो हम प्लान कर रहे हैं कि आने वाले कुछ डिकेड्स में हम इनपे काम करेंगे और भारत को नेट जीरो स्टेटस अचीव करवाएंगे तो सवाल है कि वॉट इज नेट जीरो क्या इसका मतलब है एक्चुअली दीरो सो so, देखो एमिशंस को ख़त्म करना इज वेरी डिफ़िकल्ट कि आप बिल्कुल खत्म कर दो वैसा नहीं हो सकता तो नेट ज़ीरो का क्या मतलब है पहले प्रिंट मीडिया में देखिए इस तरह की न्यूज़ आई है कि हमने नेट ज़ीरो गोल का डेडलाइन अपने लिए 2070 रखा है कमिंग डिकेट्स तभी कहा गया तो यहाँ पे समझिए कि नेट जीरो का क्या मतलब है इसका ये मतलब नहीं है कि आप एमिशंस को बिल्कुल ख़त्म कर दें नो इसका मतलब है कि जो एमिट एमिशंस हम कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस की उनको लो किया जाए लोअर एमिशंस कम एमिशंस फॉर एग्जांपल कैसे हो पाएगा अगर हम ग्रीन एनर्जी में या ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे वन थिंग लेकिन इस मेजर के साथ हम आ, क्या करेंगे फॉरेस्ट को एक्सपैंड करेंगे डायरेक्ट एयर कैप्चर इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोसफेयर से रिमूव करती है सो वी नीड टू रिमूव दीज एमिशंस जो कि थोड़ा सा अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी पे हम बहुत फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर बहुत डिपेंड कर रहे हैं बट वो करना थोड़ा सा आने वाले समय में मुश्किल है बट हो जाएगा बट येस फॉरेस्ट एक्सपेंशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट

के लिए इंपॉर्टेंट यहां पे ये भी है कि पांच प्लेजेस कौन से भारत ने क्या वादे वहाँ पे किए हैं तो भारत ने वादे किए हैं कि हम अपना नॉन फॉसिल एनर्जी क्योंकि अभी हम अपनी बहुत सी एनर्जी फॉसिल फ्यूल से जनरेट करते हैं तो हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स पे शिफ्ट हो जाएंगे कैपेसिटी को 500 हंड्रेड गीगा तक लेके जाएंगे 2030 तक दिस इज वन प्लेज वी हैव टेकन अनदर प्लेज वी हैव टेकन इज दैट इंडिया विल मीट परसेंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स सो द एनर्जी रिक्वायर्ड बाई आर कंट्री द पीपल ऑफ़ आर कंट्री फॉर वेरियस स्पीड से हम अभी चल रहे हैं कितने टू थाउजेंड थर्टी तक हम उनको कम करेंगे बाई वन बिलियन टन आज से तो ये थर्ड प्रॉमिस हो गया हमारा 2030 तक इंडिया कार्बन इंटेंसिटी अपनी इकोनमी की कम कर देगा 45 परसेंट तक जो हमारा पहले टारगेट 35 परसेंट था उसको इंक्रीज करके इस बार हमने 45 परसेंट बोला और 2070 तक इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो अचीव करने का वो हम कर लेंगे तो ये पांच प्लेजेज हैं हमारे ये आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए जो हमने सी ओ में किए हैं और बाकी के जो बड़े एमिटर्स हैं टॉप थ्री एमिटर्स हैं चाइना यूएस इंडिया इनके आप देख सकते हैं डेडलाइंस क्या है चाइना ने डेडलाइन दी है 2060 की यूएस का डेडलाइन है 2050 का और इंडिया में आप देख सकते हैं हमने 2070 बोला है सो दिस इज इम्पोर्टेंट अब देखिए पेरिस अग्रीमेंट में भी नेट जीरो की बात हुई थी वहां पे कंट्रीज को कहा गया था कि आपको कुछ चीजें प्रिपेयर करनी है दो एक्शन प्लान जो है एक्शन प्लान जो है वो प्रिपेयर करने हैं एक एक्शन प्लान आपका शॉर्ट टर्म के लिए होगा एक एक्शन प्लान आपका लॉन्ग टर्म के होगा ये चीजें पेरिस अग्रीमेंट में भी कही गई थी शॉर्ट टर्म क्लाइमेट एक्शन प्लान को एन भी कहा गया था नेशनल नेशनली डिटोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन और उनको हर पांच साल में आपको सबमिट करना है कि आपका देश क्या क्या करने वाला है क्या क्या एक्शंस लेने वाला है पाँच या दस साल के पीरियड तक सो so, जो एनडीसी हैं हर देश के करेंटली uh, आप देखेंगे उसमें जो भी एक्शंस देशों ने दिए हैं कि हम ये काम करेंगे उनका टारगेट उन्होंने 2030 तक का लिया है अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके नेशनल नेशनली रिटोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन में बोला गया है कि आपको स्पेसिफिकली जो एमिशन रिडक्शन टारगेट्स हैं टू के उनको इंक्लूड करना है यहाँ पर इनके टारगेट नहीं भी हैं डेवलपिंग देशों के लिए तो चलेगा बट डेवलप्ड देशों के लिए टारगेट होना

तो so, इंडिया का क्या स्ट्रैटेजी है पांच सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांस एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट अर्बन डिजाइन इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट्री दिस इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव दीज फाइव सेक्टर्स इनपे हम फोकस कर रहे हैं कि इनपे हम काम करेंगे रिसर्च डेवलपमेंट को लेकर टेक्नोलॉजीज uh, को लेकर पब्लिक प्राइवेट बोथ जो भी मोबिलाइजेशन फाइनेंशियल सोर्सेज की होगी वो इन पाँच सेक्टर्स में जाएगी अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है वो मिसिंग है राइट right. वो इम्पोर्टेंट सेक्टर मिसिंग है तो वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको क्रिटिकली एनालाइज करके बोलें कि हाँ इंडिया ने इतने इतने वादे तो किए बट एक सेक्टर मिसिंग था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देन यू शुड नो विच इज द सेक्टर जो इंडिया की स्ट्रेटजी में मिसिंग है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको नहीं मालूम तो चलिए मैं बताऊंगी आपको आगे आ, ये लास्ट वाला पढ़ लेते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे हमारे एरियाज और स्पेसिफिकली इंडिया किन किन कामों पे काम करेगा प्रायोरिटी सेक्टर्स ये सेक्टर्स पे प्रायोरिटी दी जाएगी तो अब यहाँ पे जो सेक्टर मिसिंग है वो है आपका एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर मिसिंग होना इज वेरी बैड क्योंकि एग्रीकल्चर से आपका बहुत ज्यादा मिथेन जो है वो प्रोड्यूस होता है प्रिलिम्स में भी क्वेश्चन आया था ना फॉलोइंग uh, क्रॉप्स में से किसमें से सबसे ज्यादा इसमें से मिथेन और, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलती हैं तो आंसर था पैडी फील्ड्स राइस फील्ड्स राइट तो ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है कि बहुत ज्यादा मिथेन एमिट करता है और उसको हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे खैर उस चीज़ पे मैं आती हूँ अब यहाँ पे एनर्जी सेक्टर का एग्जांपल देखिए डी जो होगी वो किस तरीके से होगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम रिन्यूएबल एनर्जीज पे शिफ्ट करेंगे फॉसिल फ्यूल्स का यूज रैशनलाइज करेंगे और डिमांड साइड मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे सो लो कार्बन डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तभी हो पाएगी जब पब्लिक प्राइवेट व्हीकल्स आपकी इलेक्ट्रीफाई होंगी इलेक्ट्रिक चलने शुरू होंगी, जो इंडिया ने अपने में नहीं किया है और यहाँ से बहुत ज्यादा जो होती हैं सो so मीथेन आपको मालूम होना चाहिए सेकंड मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैस है और इसमें पोटेंशियल है कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई गुना ज्यादा ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग करना सो so, इसकी वजह से काफ़ी अटेंशन इसको मिली है बिकॉज मिथेन बहुत डेंजरस है बहुत पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सॉरी ये जो ग्राफ है और ये दस कंट्रीज हैं जो 57 सेवन परसेंट ग्लोबल मिथेन अमिशंस करती हैं इंडिया का नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं और मिथेन एमिशंस जो है बहुत बड़ा इशू इंडिया के लिए है क्योंकि एग्रीकल्चर जो हमारा है पैडी क्रॉप स्टैंडिंग वाटर में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे मिथेन रिलीज़ करता है बेल्चिंग ऑफ कैटल और ये बहुत सारा लाइफ स्टॉक है तो बेल्चिंग को भी आप इंक्लूड कर लीजिए क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन लाइफ स्टॉक का आपको यहाँ पे मिलता है सो मिथे इज़ अ बिग इशू और इसीलिए इंडिया हैज़ नॉट जॉइंड एक ग्लोबल कोलिशन है मिथे रिडक्शन पे इंडिया ने उसको भी ज्वाइन नहीं किया है uh, अभी तक जो ऐसे क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ग्लास्को में हुई थी तो हमने उसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है एनी anyway, वे अब काफ़ी कंट्रीज़ डिपेंड कर रही हैं इस टेक्नोलॉजी पे कि कार्बन रिमूव करने की टेक्नोलॉजी लेकिन अभी तक इतनी वाइबल टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कार्बन को कैप्चर करने के लिए स्टोर करने के लिए जिसपे बहुत सारे देश जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं जिससे वो अपने नेट ज़ीरो के टारगेट्स अचीव करेंगे तो इसका मतलब इसमें अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा Uh, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंशियल और मॉनिटरी सपोर्ट की ज़रूरत है रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने येस yes, बहुत सारी टेक्नोलॉजी क्लाइमेट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज जो है वो आइडेंटिफाई की हैं सी सी एस बायोफ्यूल स्मार्ट ग्रिड्स तो ये सब जो रेड में लिखा ये है ये इंपॉर्टेंट है इनमें अलग से भी क्वेश्चन आपके मेंस में आ सकता है क्योंकि हमको यहाँ पे सपोर्ट रिसर्च डेवलपमेंट में चाहिए हमको पैसे भी चाहिए इसको रियलिटी में चेंज करने के लिए तो दैट इज अबाउट नेट जीरो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाकी आप अपनी तैयारी आसान कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं अब देखिए ऑलमोस्ट कह लीजिए सिर्फ छह महीने बचे हैं आपके प्रिलिम्स 2023 अभी भी पॉसिबल है रिविजन बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं एक तो आपका रफ्तार बैच है और एक एक्सेलरेट बैच है रफ्तार इज इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा एक्सेलरेट इज इंग्लिश तो 100 परसेंट रिविजन आपकी 300 हंड्रेड आवर्स में यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी आप मेरा कोड वीरो वी यूपीएससी यूज कर सकते हैं रफ्तार बैच में आप देख सकते हैं फर्स्ट दिसंबर से शुरू हो रहा है ये टीचर्स आपको सिक्स मंथ्स के लिए पढ़ाएंगे यहाँ पे और ये सिक्स मंथ्स के लिए एक्सेलरेट बैच है ये भी फर्स्ट दिसंबर को शुरू हो रहा है इट विल भी प्योरली इन इंग्लिश यहाँ पे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के टॉप टर्स के साथ आपकी पढ़ाई यहाँ पे कराई जाएगी सो इट इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको इसलिए डिस्काउंट भी दिया जा रहा है काफी आप देख सकते हैं अर्ली बर्ड ऑफर है जो कोर्स आपको फोर्टी थाउजेंड फोर नाइनटी का पड़ेगा वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में मिलेगा और सिक्स मंथस का आइकॉनिक अगर आप लेना चाहते हैं तो वो थर्टी थाउजेंड में पड़ेगा सो so, आप मेरा कोड यूज करके एडिशनल डिस्काउंट इस पे ले सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन डे पे भी अगर यहाँ पे ऑफर आपको दिया जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा आप अपना यहाँ पे सेव करेंगे अगेन यू कैन यूज़ माई कोड फॉर दिस सब्सक्रिप्शन ई एम आई पर भी ले सकते हैं कॉम बैट ट्वेंटी सेवंथ को है सो डू पार्टिसिपेट इन दैट और जिन लोगों का मेन्स क्लियर होगा वो इंटरव्यू के लिए फ्री गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहा है ना आई होप यू आर लर्निंग एंड कम्पीटिंग और यस ऑन प्लेटफॉर्म द इज वन मोर सेक्शन डाउट्स एंड सोल्यूशन सेक्शन डू चेक इट आउट थैंक यू सो मच